हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्स्ट कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा था, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, ब्रिक्स वेट्स एंड बोन्स, जिसमें अब तक हमने पढ़ रखा था कि हमें वहां पे क्या कहते हैं कि वो लोग खाना कैसे खाते थे। हाँ, वो लोग खाना कैसे खाते थे। खाना कैसे खाने का मतलब होता है क्या क्या चीजें खाते थे, वहां पे किन किन चीजों की खेती होती थी। ठीक है, उन वहां पे किन किन चीजों की खेती होती थी, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था कि इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ लिया था? सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज का मतलब क्या? सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है कि कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, वो कैसे रहते थे, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। जिसमें हमने पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी क्या होती है। हाँ, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सारी बातें कर ली थी। और फिर हमने वहां पे ये पढ़ा था, दूसरा चीज हमने पढ़ा था, एक तो ये पढ़ा था, दूसरा चीज हमने पढ़ा था कि अच्छा यहाँ पे सिंचाई वगैरह कैसे होती थी, इरिगेशन का क्या मेथड था, ये भी हमने पढ़ लिया था, इरिगेशन का क्या मेथड था। फिर हमने पढ़ा था वो पूरा मोहनजोदाड़ो सिटी पढ़ा, मोहनजोदाड़ो सिटी पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था हमने? इसमें हमने पढ़ा था दो चीजें पढ़ा था, एक तो पढ़ा था सिटाडेल, एक पढ़ा था लोअर टाउन। सिटाडेल और लोअर टाउन में पढ़ा था। और अभी मतलब कि हमने पढ़ा था ये प्लैंड अर्बन सेंटर, जो ये मोहनजोदाड़ो था वो क्या था? प्लैंड अर्बन सेंटर था। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अभी हमें क्या कहते हैं कि नया स्टार्ट करना था। और यहाँ पे हमने इसका पढ़ लिया था कि यहाँ पे इनका कैसे आर्किटेक्चर वगैरह था। अभी हमें पढ़ना था ट्रैकिंग सोशियल डिफरेंसेस, मतलब कि जो ये हड़प्पन कल्चर था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था या इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यहाँ पे कैसे सोशियल डिफरेंसेस, कौन कौन यहाँ पे सोशियल डिफरेंसेस कैसे। तो देखो, सोशियल डिफरेंसेस को देखने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा नए नए मेथड अपना। ठीक है, सोशियल डिफरेंसेस को देखने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा नए नए मेथड्स अपना। कौन कौन से मेथड्स अपनाते हैं? तो इन्होंने देखा, एक तो देखते हैं बरियल्स। बरियल्स मतलब होता है जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। तो ये देखा जाएगा कि कई किसी भी सोसाइटी में, मतलब उस सोसाइटी में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में गरीब और अमीर लोग कैसे रहते थे, इस बात को देखना है। तो वहां से उन्होंने बरियल्स से देखा। और दूसरा कहाँ से देख सकते हैं? जो लग्जरीज आइटम वो लोग यूज करते थे, उससे पता चलता है। ठीक है, तो बरियल्स और लग्जरीज का किस लिए यूज किया गया, क्या पता करने के लिए पता किया गया? सोशियल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, सोशियल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस को समझने के लिए, सोशियल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस को समझने के लिए इकोनॉमिक्स, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो किन दो चीजों का, मतलब वैसे बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन इस चैप्टर में हमें दो चीजें बताई गई हैं, बरियल्स और लग्जरीज। ओके, तो वही यहाँ पे देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटेजीज, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हाँ, ये फाइंड आउट करने के लिए कि देयर वर सोशियल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस, क्या वहां पे सोशियल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे अमंग्स पीपल लिविंग विद इन अ पार्टिकुलर कल्चर। किसी भी पार्टिकुलर कल्चर में रहने वाले लोगों भी सोशियल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को पता करने के लिए कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज होती थी। तो उन सब में से एक स्ट्रेटजी है बरियल्स को देख, उन सब में एक स्ट्रेटजी है बरियल्स से पता चल जाता है कि वहां पे सोशियल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे या नहीं। ओके, अच्छा याद करो तो आपने क्या कहते हैं कि ये पता होगा कि इजिप्ट, हाँ, इजिप्ट में, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। ये सब याद किए रहे। ठीक है, फेमिलियर विद मासिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट में आपको क्या मिला? बहुत सारे पिरामिड्स मिले। इजिप्ट में आपको क्या मिले हैं? बहुत सारे पिरामिड्स मिले हैं। और ये एक्चुअल में पिरामिड्स होते क्या है? ये पिरामिड एक्चुअल में बरियल्स भी होते हैं, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। ये पिरामिड जो होते थे, यहाँ पे लोगों को दफनाया गया। अच्छा, जो ये पिरामिड्स मिले हुए हैं, कुछ पिरामिड्स ऐसे थे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम के ही थे, कुछ पिरामिड्स ऐसे मिले हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के ही, मतलब कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करती थी? मैंने वो डेट बताया था आपको। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करती थी? मैंने आपको डेट बताया था कि 2600 से लेकर के
1900 BC में। इसको मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन या मेच्योर हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। 2600 हाँ 2600 से लेकर के 1900 BC तक जब बताया था तो यही क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम था। इसे ही हमने क्या बोला था, इसे ही हमने बोला था कि ये क्या कहते हैं कि मेच्योर हड़प्पन कल्चर था। यही क्या था, मेच्योर हड़प्पन कल्चर था। इतना बात याद है। अब मैं ये बता रहा था यहाँ पे आपको कि कभी कभी कुछ जो इजिप्ट में कुछ पिरामिड्स मिले हैं वो इस टाइम के भी है, मतलब इसी टाइम के हैं जो ये 2600 BC यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे के। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पोरेनियस का मतलब होता है कि सेम टाइम के, ठीक है, उसी समय के। ओके, मेनी ऑफ दीज पिरामिड्स वर रॉयल बर्गियल। जो ये पिरामिड्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि दफना, ओ जो यहाँ पे पिरामिड्स थे, जो यहाँ पे जो पिरामिड्स बने हुए हैं इजिप्ट में, ये क्या है, कहीं कहीं पे ये रॉयल बर्गियल्स है। रॉयल बर्गियल्स का मतलब है जहाँ पे राजाओं को दफनाया वगैरह जाता है, तो ये सारे, ठीक है। वेयर एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वॉज बरीड, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि कहते हैं कि हाँ वेयर एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ यानी कि इन रॉयल बर्गियल्स में बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे गहने वगैरह दफनाए गए हैं, बहुत सारे धन दफनाए गए, ठीक है। रॉयल बर्गियल्स के साथ में मतलब इन लोगों के साथ में, राजाओं के साथ में क्या कहते हैं कि बहुत सारे धन सोना चांदी ये सब क्या कहते हैं कि दफनाए गए। तो ये सारी बता रहे हैं कहाँ की, इजिप्ट की बात एट बर्गियल्स इन हड़प्पन साइट। ये तो इजिप्ट की बात हो गई, ये जो यहाँ पे बात है तो किसकी बात है, इजिप्ट की बात है। हाँ अब हम बात करते हैं यहाँ पे हड़प्पा में क्या होता है। हड़प्पा में एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स, इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो यहाँ पे जो हड़प्पन साइट में लोगों को क्या किया जाता था, पिट्स, पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, गड्ढे में क्या कहते हैं कि लोगों को दफनाया जाता, ठीक है, गड्ढे में लोगों को दफनाया जाता। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता था कि देयर वर डिफरेंसेस इन द वे ऑफ बरियल पिट। कभी कभी वो गड्ढे अलग अलग टाइप के होते थे। गड्ढे अलग अलग टाइप का मतलब क्या होता था, ये जो गड्ढे बना दिए गए और इसके चारों ओर क्या किया गया, कभी कभी ईंटे लगा दिए, कभी कभी चारों ओर इसके क्या करते थे, ईंटे लगा दी जाती। तो यही यहाँ पर बताया हुआ है कि इन सम इंस्टांसेस द हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। तो कभी कभी ये हॉलोड आउट स्पेसेस जो थे इनके साथ में क्या हुआ कि इसके चारों तरफ क्या कहते हैं कि ईंटे लगा दी जाती, चारों तरफ क्या कहते हैं ईंटे लगा दी जाती। ओके हाँ, लेकिन अब ये सोशल डिफरेंसेस को बताता है या नहीं बताता इसके बारे में श्योर नहीं है कि ये मतलब कि ये बताता हो कि एक में ऐसे ही लोगों को दफना दिया गया बिना ईंट के ही दफना दिया गया, और दूसरे में क्या हो रहा है कि ईंटों के साथ में दफनाया जा रहा है, मतलब चारों तरफ ईंट लगा दी गई। इससे इससे कुछ सोशल डिफरेंस पता चलता है, ये तो मतलब इसको कहा नहीं जा सकता कि इससे लोगों में सोशल डिफरेंस था, ये सब बताया नहीं जा सकता। बट कुछ ऐसे भी ग्रेव्स थे, कुछ ऐसे भी ग्रेव थे जहाँ पे पॉटरी और ऑर्नामेंट्स, मतलब कि कुछ ऐसे भी ग्रेव थे, ग्रेव्स का मतलब होता है कि जो ये कहते हैं कि दफनाए, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं, कुछ आभूषण मिले हैं। ऑर्नामेंट्स का मतलब आभूषण होता है, कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं वहां पे, ठीक है, यानी कि ऐसे लोगों को जहाँ पे दफनाया गया होगा उनके साथ में, यहाँ पे मान लो कि किसी को दफनाया गया, हाँ किसी को दफनाया गया, इनके साथ में यहीं पे बर्तन वगैरह मिल गए, बर्तन वगैरह मिल गए। इससे क्या पता चल रहा है कि लोग ये बिलीव करते थे, इससे ये पता चल रहा है लोग ये बिलीव करते थे कि ये मरने के बाद लोग इन बर्तनों का या खाना का यूज कर, या मतलब कि आभूषण का यूज करें, ठीक है, आफ्टर लाइफ में लोग बिलीव करते, यहाँ के लोग किसमें बिलीव करते थे कि ये सारी चीजें आफ्टर लाइफ में मतलब कि मरने के बाद लोग यूज करेंगे, इसलिए चीजों को दफना दिया जाएगा। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बरियल्स ऑफ बोथ एंड मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन दोनों के ही बरियल्स में, दोनों के ही बरियल्स में आपको क्या मिले हैं, मतलब कि यहाँ पे ज्वेलरी पाई है। तो ठीक है, ज्वेलरी केवल और केवल क्या मैन वुमेन के साथ पाई गई है क्या, नहीं, मैन के साथ भी ज्वेलरी पाई गई है। इन फैक्ट इन एग्जिबिशंस एट सिमेट्री इन हड़प्पा इन mid-90s। तो यहाँ पे जब खुदाई हुई, हाँ ठीक है, हड़प्पा में mid-90s में जब खुदाई हुई तो क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है कि एक व्यक्ति का, हाँ ठीक है, एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री सेल रिंग, एक ऑर्नामेंट मिला, हाँ, जिसमें क्या कहते हैं कि तीन सेल थे रिंग के, और उसमें एक जेस्पर, जेस्पर जो होता था एक सेमी प्रिशियस स्टोन होता है, और बीड्स मिले, और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, मतलब एक बीड मिला
जैस्पर बीट मिला। जैस्पर बीट मतलब कि ये बड़ा था, लेकिन उसके साथ में ही बहुत सारे छोटे छोटे बीट्स भी मिले, ठीक है। लेकिन स्कल ऑफ मेल ये कहाँ पे मिले थे? मेल के साथ, ठीक है। तो जब बताया जा रहा है कि हड़प्पा में एक सिमेट्री में जब खुदाई की गई, तो वहां पे हाँ एक्सवे सॉरी एक्सवेशन किया गया, तो क्या कहते हैं एक्सवेशन किया गया, तो वहां पे आपको क्या मिला? वहां पे मिला है सेल रिंग मिला, जिसमें तीन एक मतलब ऑर्नामेंट मिला है। उस ऑर्नामेंट में एक ऑर्नामेंट मिला उसमें तीन सेल रिंग्स थे, ओके। उसमें एक जैस्पर वेट था, जैस्पर वेट था, और दूसरा क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्या कहते हैं कि छोटे छोटे बीट्स भी थे, छोटे छोटे बीट्स भी थे। और ये स्कल किसका था? मेल का। मेल के पास जो ये ऑर्नामेंट मिला था उसमें, इन सम इंस्टांसेस डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स। कभी कभी क्या होता था, डेड को किसके साथ में, जो मरे हुए लोग होते थे उनके साथ में कॉपर मिरर्स भी रख दिए जाते, उनके साथ में एक कॉपर मिरर, ये आपको दिखाई दे रहा है ये कॉपर मिरर है, ठीक है। इनके साथ में क्या कहते हैं कि कॉपर मिरर को रख दिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बट ऑन द होल, लेकिन जब देखा जाए, इट अपीयर दैट द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद डेथ। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए, तो ये लोग प्रीशियस थिंग्स को मरे हुए लोगों के साथ नहीं रखना, ये लोग प्रीशियस थिंग्स को मरे हुए लोगों के साथ में नहीं रखना। फिर दूसरा चीज मैंने बताया था कि अगर सोशल डिफरेंसेस को देखना है, तो आप एक बरियल्स को इन्होंने देखा, और दूसरा इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी लिया कि लग्जरीज एंड द स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट मतलब उन पुरानी वस्तुओं के बारे में पढ़ाई करें, और उनसे पता चल जाएगा कि हाँ, तो उससे पता चल जाएगा कि लोग कैसे मतलब कि सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था। विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली ही क्लासिफाइड यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी। तो उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्टिफैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड, आर्टिफैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? एक को बोला गया यूटिलिटेरियन, ठीक है। एक को क्या बोला गया? यूटिलिटेरियन बोला गया, यूटिलिटेरियन। और दूसरे को बोला गया लग्जरी। हाँ, ये यूटिलिटेरियन में, ये यूटिलिटेरियन में काम सी चीजें। तो इसमें देखो, इनमें वो चीजें थी जो डेली यूज में, इनमें कौन सी चीजें होती थी जो डेली यूज में होती थी, और लग्जरीज वाले वो चीजें होती थी जो कुछ ही जगह पे पाए जाएंगे। यूटिलिटेरियन जो होता था हर जगह पे पाए जाए, समाज के मतलब कि हर एरिया में पाया जाएगा, किसी भी सेटलमेंट में पूरे जगह पे जो पाया जाएगा, ये नॉर्मल थिंग्स, ठीक है। तो जो ये यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज, तो देखो द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली, यानी कि जो यूटिलिटेरियन में जो चीजें थी वो हमेशा डेली यूज में लगाई जाने वाले वस्तुएं थी, जो डेली यूज में की जा रही थी, वस्तु डेली यूज की जा रही थी, मेड फेयरली इजिली। अच्छा, इनको बनाया बड़े आसानी से जाता है, इनको बनाया बड़े आसानी से जाता है। और हाँ अच्छा, इनको बनाने के लिए भी ऑर्डिनरी मेटल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। यूटिलिटेरियन को बनाने के लिए ऑर्डिनरी मेटल्स का यूज किया जाएगा, डेली यूज में होगी और सस्ती सामान से बनाया जाएगा, जैसे इनको पत्थर से बनाया जा सकता है या मिट्टी से बनाया जा सकता है। दीज इंक्लूड क्वर्न, क्वर्न मतलब वो चक्की बताया था, याद करो, पॉटरी, बर्तन, निजल्स, हाँ, फ्लैश रबर्स, ये सारी चीजें होगी। हाँ, फ्लैश रबर्स का किस लिए यूज किया जा सकता है? बॉडी स्क्रब करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी चीजें सस्ती चीजें जो थी, इन्हें ही क्या बोल दिया इन्होंने? यूटिलिटेरियन बोला गया। और ये सारी चीजें जो होंगी यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, मतलब ये पूरे सेटलमेंट्स में हर जगह पे पाई जाएगी, पूरे सेटलमेंट्स में हर जगह पे पाई जाएगी, ठीक है। जो डेली यूज वाली चीजें होती हैं हर जगह पे पाई जाएगी। आर्कियोलॉजिस्ट, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, अब इन्होंने क्या देखा? हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, हाँ, ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली, यानी कि नॉन लोकल मटेरियल, यानी कि अगर कोई भी चीज लग्जरी, उनको तब बोला जाएगा जब वो चीजें रेयर होंगी। लग्जरी वो सामान थे जो रेयर थे,
जिनको बनाया जो गया होगा उनको बनाना कॉस्टली रहा होगा, और साथ में ही वो नॉन लोकल मटेरियल से बने। नॉन लोकल मटेरियल का मतलब होता है कि ये उन मटेरियल से बने होंगे जो वहां पे पाई जाती ही नहीं है, वो कहीं और पाई जाती होगी। हाँ, और इनमें जो इनको आसानी से बनाया भी नहीं जा सकता, तो वो चीजें क्या थी, लग्जरी। तो लग्जरी वाली कौन सी चीजें थी जिनको आसानी से बनाया नहीं जा सकता। ओके, यहाँ तक बात समझ में। 10 लिटल पॉट्स ऑफ फायंस, ठीक है, ये जो लिटिल पॉट्स जिसको फायंस से बने हुए थे, जैसे अब ये देखो ये फायंस बना ही है, ये जो ये डायग्राम जो बना है ये ऊपर आपको, ये फायंस ही है। देखो ये बर्तन है, ठीक है, इसको बर्तन कुछ ना कुछ चीजें को स्टोर करने के लिए बनाया जाता रहा होगा, ठीक है, कोई लिक्विड वगैरह, ठीक है। तो ये बताया जाए, अच्छा ये फायंस किससे बनाया जाता था, अ मटेरियल मेड ऑफ ऑफ ग्राउंड सैंड, सैंड से। और अगर इसको क्या कहते हैं कि कलर वगैरह के साथ में मिक्स कर दिया जाए और फिर उसके बाद में इसको पका दिया जाए, कलर को मिक्स कर दिया जाए गम के साथ में और क्या कहते हैं कि और सैंड को, तो उसको पका दिया जाता है तो ये बन जाता है, तो इसी को बोला गया फायंस। वर प्रोबेबली कंसिडर प्रीशियस, इसको प्रीशियस माना जाता था बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक, इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से इसको क्या माना जाता था, प्रीशियस माना जाता। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसे भी चीजें होती थी, कुछ आर्टिकल्स जो होते थे, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी होते जिनको बनाना तो मुश्किल था, जिनको बनाना मुश्किल था लेकिन ना जिनको बनाना मुश्किल था लेकिन वो डेली यूज में चीज थे। कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स थे जो डेली यूज में होते थे लेकिन लेकिन उनको बनाना मुश्किल था, तो इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया कि कहते कि जैसे फायंस ही है, रेयर मटेरियल से बनाया जाता था। हाँ, स्पिंडल वर्क मेड अप ऑफ रेयर मटेरियल फायंस। तो ये क्या कहते हैं कि अब इनको हम किस में रखें, यूटिलिटेरियन में रखें या लग्जरीज में रखें, वो डिपेंड करता है। अच्छा, अगला, इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट, सच आर्टिफैक्ट मतलब ये जो सामान जो बने थे, हाँ, तो देखा जाता है कि जो लग्जरीज वाले थे, जो लग्जरीज वाले थे, वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स, यानी कि जो ये महंगे, हाँ, जो ये महंगे ऑब्जेक्ट थे, जो रेयर ऑब्जेक्ट थे, वो आपको या वैल्यूएबल मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट थे, वो केवल आपको मोहनजोदाड़ो, कहाँ पे मिले थे, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, यही दो जगह पे मिले थे। लार्ज सेटलमेंट्स में आपको ये मिल रहे थे, लार्ज सेटलमेंट्स में क्या कहते हैं कि आपको ये मिले थे, रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट, यानी कि ये जो महंगे ऑब्जेक्ट थे, जो रेयर ऑब्जेक्ट थे, वो स्मॉलर सेटलमेंट्स में नहीं मिल रहे थे। हाँ, तो ये आपको क्या कहते हैं कि स्मॉलर सेटलमेंट में नहीं मिल रहे थे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे, मिनिएचर पॉट्स, छोटे छोटे पॉट्स जो बने थे फायंस से बने हुए थे, जो फायंस से बने हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स थे, ये परहैप्स यूज्ड फॉर परफ्यूम बॉटल, हो सकता है इनको परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज किया जाता रहा होगा। ये कहाँ पे पाए जाते थे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही पाए थे। ये स्मॉलर सेटलमेंट्स, जो कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे था याद करो, मैंने बताया था राजस्थान, कालीबंगन कहाँ पे था, राजस्थान में। यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे आपको कहते हैं कि खेत, हाँ, जो खेत होता था वहां पे क्या कहते हैं कि खेतों में फरू मतलब कि कहते हैं कि प्लॉट फील्ड्स मिले थे, कालीबंगन में आपको क्या मिले थे, प्लॉट फील्ड्स मिले थे। तो इन सब से क्या पता चलता है, इन सब से ये पता चलता है भाई कि स्मॉलर सेटलमेंट्स में क्या कहते हैं कि रेयर ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते थे, स्मॉलर सेटलमेंट्स में रेयर ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते थे। ओके, इतना बात समझ आए, नहीं समझ आए। ओके, और गोल्ड टू वॉज रेयर, मतलब जो गोल्ड था वो भी क्या कहते हैं कि जैसे आज रेयर है वैसे पहले भी रेयर, ठीक है। प्रोबेबली प्रीवियस प्रीसियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द होर्स, यानी कि जितने भी ये जो ज्वेलरी वगैरह, जो गोल्ड की ज्वेलरी मिली है, एक एक जगह पे मिली है, कहीं ना कहीं ये होर्स से ही मिली है। होर्ड क्या होता है आपको पता हो, कि जैसे अभी लोगों के पास में क्या होता है कि जब पहले लोगों के पास धन होता था वो एक जगह पे रख देते, धन जो होता था यानी कि सोना वोना होता था उसको एक जगह पे रख देते थे। अब वो सोने को एक जगह पे रख दिए, बट अब उसको केवल एक व्यक्ति जानता है कि मैंने सोना यहाँ पे रख छुपा करके, फिर क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। अब सोना तो मिला नहीं, लेकिन अब धीरे 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 जब वो दब जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ही पाते हैं, उसको बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ही पाते हैं, और बाकी बाकी कोई पा नहीं पाता, जब या खुदाई वगैरह होती तभी पता चल पाता है। तो इसलिए जो सोना वगैरह जो मिला है वो कहाँ से मिला है, होड़ से। सोना जो मिला है कहाँ से मिला है, कोर्ट से मिला है। जो गोल्ड की ज्वेलरी मिली है कहाँ से मिली है, कोर्ट से मिली है। ओके, यानी कि सोना पहले भी रेयर था आज भी रेयर है। ओके, इतना बात समझ में। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फाइंडिंग अबाउट
फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहले क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब, देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीजें जो हाथ से बना करके प्रोड्यूस की जाती है, वो चीजें जो किसके साथ में हैंडमेड होती है, हैंडमेड होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि हाँ हैंडमेड होती है विद टूल भी हो सकती है, हैंडमेड मतलब और टूल्स के साथ में भी बनाया सकता है और विदाउट टूल्स भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है वो चीजें जिनको हैंडमेड होती है, कभी कभी इनको टूल्स के साथ में भी बनाया, टूल्स की सहायता से बनाया जा सकता है और कभी कभी इनको विदाउट टूल्स बनाया जा सकता है, ओके। तो ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है ये चहुंदड़ो, चहुंदड़ो आपको कहाँ पर मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा ये चहुंदड़ो। मैप नंबर वन में आप जब देखोगे चहुंदड़ो तो कहाँ पर मिलेगा? पाकिस्तान में सिंध में मिलेगा, ठीक है। चहुंदड़ो कहाँ पर मिलेगा? पाकिस्तान। और आपको पता है पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, ओके। लोग चौंदड़ो, चौंदड़ो जो है पाकिस्तान में, दिस इज द टाइनी स्टेट सेटलमेंट। ये क्या था? एक छोटा सेटलमेंट था। या अब देखो यहाँ से एक चीज और याद रखना, यहाँ से एक चीज और याद रखना है कि जो मोहनजोदाड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ। मोहनजोदाड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 125। यानी कि ये क्या कहते हैं कि लार्ज सेटलमेंट था। मोहनजोदाड़ो क्या था? लार्ज सेटलमेंट। और वहीं पे हाँ मोहनजोदाड़ो कैसा सेटलमेंट था? लार्ज सेटलमेंट। और वहीं पे अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं कि चौंदड़ो, चौंदड़ो जो है वो केवल और केवल 7 हेक्टेयर में था। चौंदड़ो जो है वो कितने में था? केवल और केवल 7 हेक्टेयर में। अब वो 7 हेक्टेयर से भी कम में था। तो ये क्या है? एक टाइनी स्टेप सेटलमेंट है, एक छोटा सा, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो यानी कि चौंदड़ो में क्या होता था? क्राफ्ट प्रोडक्शन। चौंदड़ो में क्या होता था? मेन यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है? क्राफ्ट प्रोडक्शन है, ओके। चौंदड़ो में मेन प्रोसेस क्या हो रहा है? क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, यहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे। सेल कटिंग, यहाँ पे क्या होता था कि वो जो सेल का मतलब यहाँ पे शंख होता है, हाँ यहाँ पे हाँ ये बीड मेकिंग किया जाता था, सेल कटिंग किया जाता था, मेटल वर्किंग यहाँ पे किया जाता था, मेटल पे काम होता था, सील मेकिंग होता था, सील मतलब वो मुहर है जो मैंने बताया कि वेट मेकिंग यानी कि बाट वगैरह यहाँ पे बनाया जाता है। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? चौंदड़ो में हो रहा है। चौंदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ये सारी बातें आपको यहाँ तक ध्यान रखनी, इतनी बातें यहाँ पर तक आपको ध्यान रखनी। द वेरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। तो ध्यान रख लो कि बहुत सारे मटेरियल्स, ये देखो ये बीड्स हैं, ये बीड्स हैं, इन बीड्स को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, इन बीड्स को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, कार्नेलियन जो होता है, कार्नेलियन जो होता है ये रेड कलर का, कार्नेलियन होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का, ओके। कार्नेलियन किस कलर का होता है? रेड कलर का। जैस्पर क्रिस्टल क्वार्ट्ज स्टियटाइट ये सारी चीजें यूज किए जा सकते हैं किसको बनाने के लिए? के लिए कभी कभी कुछ मेटल्स भी यूज करते हैं, जैसे कॉपर ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, कॉपर ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड सिल्क फायंस एंड टेराकोटा और बर्नट क्ले। बर्नट मतलब होता है मिट्टी को पकाई हुई, टेराकोटा हाँ मिट्टी। तो इन सबको यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? बीड्स बनाने के लिए, ठीक है। कुछ बीड्स होती हैं जो दो या दो से अधिक स्टोन से बने, कुछ बीड्स ऐसी होती हैं दो या दो से अधिक हाँ अधिक स्टोन से बने होते हैं, ओके। और इनको एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे भी थे जिनके साथ में गोल्ड कैप, मतलब पहले ऐसे बना दो, पहले ऐसे बना दो फिर इधर क्या कहते हैं इधर भी गोल्ड लगा दो, इधर भी गोल्ड लगा दो। कुछ ऐसे भी हैं जिसपे गोल्ड कैप लगा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे यहाँ पे देखो रखे भी, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे इसके साथ में क्या कहते हैं कि दो वो रखे हुए हैं, तो दोनों साइड में गोल्ड कैप लगा सकते हैं आप। द शेप्स वर न्यूमरस, अच्छा इनके अलग अलग टाइप के शेप जो ये क्या कहते हैं जो बीड्स बनाए जा रहे हैं, ये कभी कभी डिस्क शेप के भी हो सकते हैं। ये देखो ये डिस्क शेप, ये जो इसमें जो लगा हुआ है वो डिस्क शेप, ठीक है। डिस्क शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ये देखो सिलेंड्रिकल, हाँ स्फेरिकल भी हो सकते हैं, हाँ स्फेरिकल यहाँ पे बनाया नहीं है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। और कुछ हो सकते हैं कि बैरल शेप्ड भी हो सकते हैं, सेगमेंटेड मतलब कुछ ऐसे होते हैं टूटे हुए। तो ये सारी चीजें होते हैं, ये देखो ये बैरल शेप्ड है, हाँ जिसको ढोल शेप्ड बोल सकते हो, ठीक है। हाँ सम वर डेकोरेटेड बाय इनसाइसिंग और पेंटिंग। कुछ में होता है कि क्या कहते हैं कि इनसाइस मतलब होता है कटा काटना,
उसमें क्या होता है कि मतलब कि चीजों को कहीं ना कहीं कटाई करके उसको सजाया जा सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी बिट्स होती है जिनमें पेंटिंग वगैरह की जाती है। एंड सम हैड डिजाइन एज ऑन टू देम, कुछ ऐसे भी थे जिनमें डिजाइन वगैरह बना दी, जिनमें डिजाइन वगैरह बना दी होगी। ठीक है, तब ये जो डायग्राम बना हुआ है या यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें एक टूल है, ये एक टूल को दिखाया गया है, और ये और यहाँ पे ये आपको बीड्स दिखाए गए, ये बीड्स हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, अब इनको बनाने के, अब क्योंकि अलग अलग बीड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बनाने के मेथड भी तो अलग अलग। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अब वो कैसा मटेरियल यूज किया जा रहा है इस बात पर भी डिपेंड करता है। जैसे स्टीयटाइट, स्टीयटाइट जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट, हाँ जो स्टीयटाइट होता है वो बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट स्टोन। ठीक, ध्यान रख लेना कि स्टीयटाइट क्या होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, वॉज इजिली वर्क, इसके ऊपर बड़े आसानी से काम किया जा सकता है। सम बीड्स वर मोल्डेड, कुछ बीड्स होते थे जिनको मोल्ड किया जा सकता था। मोल्डेड आउट मतलब होता है ढालना, मोल्ड आउट मतलब होता है ढालना, किसी सांचे वगैरह में डाल करके देना, तो होता है मोल्ड आउट। ठीक है, मोल्ड आउट का मतलब होता है पहले एक सांचा बनाना, उसके अंदर क्या कहते हैं उड़ेल दो उसको, तो वो क्या कहते हैं उसे बोलते हैं। कुछ बीड्स होते थे जिनको क्या कहते हैं कि मोल्डिंग प्रोसेस से बनाया जाता, कुछ बीड्स होते थे जिनको किस प्रोसेस से बनाया जाता था, मोल्डिंग प्रोसेस से बनाया, मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर। तो ये जो स्टेटाइट को क्या कहते हैं पहले पीस दो, स्टेटाइट जो स्टोन था इसको पीस करके मतलब इसको पत्थर, इसको पाउडर बना करके इसको इसमें पेस्ट बना दो, और उसको फिर मोल्ड आउट करो, तो बीड्स ऐसे ही बनाए सकते थे। दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स, अच्छा क्योंकि ये मोल्ड आउट किए जा सकते थे, यानी कि अलग अलग शेप को आप मोल्ड भी तो कर सकते हो, अलग अलग शेप बना भी सकते हो किस वजह से, अलग अलग टाइप की शेप। अनलाइक द जियोमेट्रिकल फॉर्म्स, अच्छा जियोमेट्रिकल फॉर्म्स किससे बनते थे, हार्डर स्टोन से। ध्यान रख लो कि जियोमेट्रिकल फॉर्म जो होते थे वो किससे बनते थे, हार्डर स्टोन से बनते। ध्यान रख लेना कि जियोमेट्रिकल फॉर्म जो बनते थे वो किससे बनते थे, हार्डर स्टोन से। ओके, हाउ द स्टीयटाइट माइक्रो बीम वॉज मेड रिमेन्स अ पजल, अभी कैसे बनाया जाता था ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने बता नहीं पाया कैसे ये है। हाँ, वॉज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें हैं। इतना क्लियर है ना, यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ चुकी है। ठीक है, कि कुछ चीजों को हमने ये सारी बातें बता दी थी। हाँ, अब आगे आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वॉज ऑब्टेंड, ये कार्नेलियन का रेड कलर कैसे पाया जा रहा है, कैसे पाया जा रहा है रेड कलर का कार्नेलियन कैसे पाया जा रहा है, वॉज ऑब्टेंड बाई फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो बीड्स हैं या जो ये रॉ मटेरियल होते थे येलोइश रॉ मटेरियल, इनको पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले इनको जलाया जाता है, पहले इनको जलाया जाता है, जब ये जल जाते हैं ये जो रॉ मटेरियल्स येलो रॉ मटेरियल जल जाते हैं, ये क्या बन जाते थे, रेड बन जाते थे, क्या बन जाते थे, रेड बन जाते। ओके, नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स, हाँ नोड्यूल्स वर चिप्ड मतलब इनको धीरे धीरे जो पत्थर हो जाए थोड़ा थोड़ा इनको टूट दिया जाता है, रफ शेप्स में तोड़ दिया जाता है, एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म। और इनको फिर क्या कहते हैं कि पहले इनको क्या किया जाता था, तोड़ दिया जाता था, फिर इनको क्या कहते हैं कि एकदम और जी जो और फाइनली फ्रेक्ड इनटू फाइनल फॉर्म, एकदम मतलब कि छोटा छोटा, और फाइनली मतलब यहाँ फाइनली मतलब कि छोटा छोटा कर देंगे। ठीक है, और ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस, इसमें क्या होता था, ग्राइंडिंग किया जाता था, पॉलिशिंग या ड्रिलिंग ये सारी चीजें की जाती। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चौंदड़ो, चौंदड़ो में बहुत सारे ऐसे ड्रिल्स पाए गए हैं, ड्रिल्स मतलब यहाँ पे छेद करने वाले ना चीजें पाई गई। ठीक है, ड्रिल्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो छेद करने वाली चीजें होती है उन्हें क्या बोला गया है, ड्रिल्स बोला गया। ठीक है, अब लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धौलावीरा, लोथल याद करो गुजरात में था, धौलावीरा कहाँ पे था, गुजरात में ना, ये और चौंदड़ो, इन सब पे कुछ ड्रिल्स पाए गए। ओके, कुछ ड्रिल्स पाए गए हैं जिनसे मतलब कि उसमें इसमें छेद किया जा जाता है, जो बीट्स वगैरह होते हैं उनमें छेद किया जाता है। अब देखते हैं ये, इफ यू लोकेट नागेश्वर, नागेश्वर कहाँ पे है, राजस्थान, सॉरी नागेश्वर जो है ये भी गुजरात में है, लेकिन ये समुद्र के किनारे, नागेश्वर जो है वो गुजरात में है, ये भी समुद्र के किनारे हैं, और बालाकोट ये पाकिस्तान में है, ये भी समुद्र के किनारे है, बालाकोट जो है वो पाकिस्तान में है, वो भी समुद्र के किनारे है। ठीक है, अब ये तो जैसे ये नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट
एक इंडिया में है, गुजरात में, और एक बालाकोट ये पाकिस्तान में है। यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट, ये समुद्र के किनारे, ये दोनों ही चाहे नागेश्वर हो चाहे बालाकोट हो, दोनों ही किसके किनारे हैं, समुद्र के किनारे। दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या बनाए जाते थे, सेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, जैसे बैंगल्स, सेल से क्या बनते थे, बैंगल्स बनते थे, लैडल्स बनते थे, एंड हाँ इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट। अच्छा, इनको बनाया था यहाँ पे जाता था, फिर इसको दूसरी जगह पे भी ले जाया था, इनको यहाँ पे बना करके फिर दूसरी जगह पे भी ले जाया जाता था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है? ओके हाँ, इनको यहाँ पे तो बनाया जाता था लेकिन फिर क्या कहते हैं कि दूसरी जगह पे ले जाया जाता था। विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, चाहे वो चौंदड़ों में हो, मतलब चौंदड़ों में जैसे बीड्स बनाया जाता, चौंदड़ों में जो बनाया जाता बीड्स बनाया जाता, वहां से या लोथल, चौंदड़ों या लोथल से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता रहा होगा, जैसे मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा ले जाया जाता रहा होगा। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि इनके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीजों को ले जाया जाता। ठीक है, इतना क्लियर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीजों को ले जाया जाता। ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ पॉटरी दिखाई दे रही है डायग्राम में जो बना हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉटरी बनी हुई है। ठीक है, ये डायग्राम में जो बने हुए हैं, ये कुछ पॉटरी बने हुए हैं जो म्यूजियम में रखा गया है, दिल्ली में रखा गया है, दिल्ली में रखा गया है, और यह लोथल वहीं पे भी। ठीक है, लोथल कहाँ पे, गुजरात में। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन मतलब कि जो सामान का प्रोडक्शन होता था वो कहाँ पे, ये देखिए जो सामान होते थे उनका प्रोडक्शन कहाँ। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर को पहचानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक द फॉलोइंग। अच्छा, ये पता करना है कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता था, तो वो लोग क्या देखते थे, वो देखते थे कि रॉ मटेरियल्स कहाँ पे मिलता है। वो लोग मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता था, सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल्स कहाँ पे मिलते हैं। जैसे रॉ मटेरियल्स में क्या चाहिए था उनको, स्टोन नूडल्स चाहिए था, होल सेल्स चाहिए था, सेल्स या जो जिनके के कहते हैं कि बैंगल्स वगैरह बन रहे थे, बैंगल इनले, और कहते हैं कि लेडल्स बन रहे थे, हाँ कॉपर ओर, ये सब कहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, रॉ मटेरियल देखा। फिर दूसरा उन्होंने देखा टूल्स, हाँ कॉपर ओर्स या टूल्स, या दूसरा चीज वो देखते हैं अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, क्या देखते हैं वो, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, टूल्स देख रहे हैं, टूल्स देखे, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट देखे, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट या रिजेक्ट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, कहाँ पे वेस्ट मटेरियल वगैरह बहुत ज्यादा पड़ा होगा, इससे पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा होगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्रॉप, हाँ कहीं पे कितना वेस्ट है, कहीं पे कितना वेस्ट है, ये इससे पता चलता है कहाँ पे क्राफ्ट वर्क होगा। ठीक है, हाँ फॉर इंस्टेंस इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि जो सेल होते हैं या स्टोन होते हैं इनको कट किया जाता है, किसी भी सामान को बनाने के लिए इन सबको क्या किया जाता, कट किया जाता, जब इनको हाँ किसी भी सामान को बनाने के लिए इनको कट किया जाता, देन पीसेस ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड। और हमें पता है कि जिन मटेरियल्स को कट किया गया है कुछ मटेरियल जो होंगे वो वेस्ट बनेंगे, जो वेस्ट बनेंगे, और वो जो वेस्ट होता है वो एक ही जगह पे इकट्ठा रह जाता है, जो वेस्ट होता है वो क्या होता है कि एक ही जगह पे इकट्ठा रह जाता है, जब वो एक ही जगह पे इकट्ठा रह जाएगा तो इससे पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन पूरा हो। ठीक है, समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेस और वर यूज टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट, कभी कभी क्या होता था वेस्ट मटेरियल का ही लोग यूज कर लेते हैं सामान बनाने के लिए। हाँ तो वैसे ही पहले भी क्या होता था, कहीं कभी कभी ऐसा होता था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते थे उसको भी कुछ छोटा सामान बनाने में यूज कर लेते, बट मिनिस्क्यूल बिट्स, मतलब कभी कभी क्या होता था फिर और छोटे छोटे जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो तो रह ही जाएंगे। हाँ ठीक है, जो लार्जर वेस्ट मतलब कि वेस्ट जो बड़े वेस्ट पीसेस थे उनका यूज कर दिया जा रहा है सामान बनाने में, छोटे सामान बनाने, फिर भी क्या होगा कि बहुत छोटे छोटे भी तो रह जाएंगे पीसेस, वो छोटे पीसेस तो पक्का वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, यानी कि जो वर्क एरिया में सामान पड़ा रह जाता था इससे भी पता चलता है कि कहीं पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा होगा। जैसे आज ही कहीं पे एग्जांपल ले लो कि आप जैसे मान लो कहीं पे खूब सारा पत्थर वगैरह पड़ा होगा, कहीं पे खूब सारा पत्थर वगैरह पड़ा होगा टूट टूट करके, टूट टूट करके, इससे पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे पत्थर का काम हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे कहते हैं कि अगर जब
हाँ, खुदाई करने लोगों के नीचे हुए, क्या होगा वहां पे पत्थर वगैरह केमिकल्स वगैरह मिलेंगे, तो इससे पता चलता है कि वो केमिकल इंडस्ट्री थी या क्या था, ये सारी चीजें। तो वैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट से पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा था या कहाँ पे नहीं। अगला, दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, क्रॉप प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो अंडरटेकन इन लार्ज स्केल। यानी कि इससे पता चलता है कि ये स्मॉल स्मॉल में तो होता ही था, स्मॉल में होता ही था, हाँ, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता था, लार्ज सिटीज में भी होता था, ठीक है, लार्ज सिटीज में भी होता था, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इन सब जगह पे क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा, ठीक है। इन सब से चीजों से पता चलता है कि क्रॉप प्रोडक्शन बड़े शहरों में भी हो रहा था, छोटे शहरों में। अब अगला आता है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटीरियल्स। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी भी चीज को पाना, प्रोक्योर का मतलब होता है किसी भी चीज को पाना। तो कैसे लोग, क्या कहते हैं कि यहाँ के जो लोग होते थे वो कैसे भी किसी भी चीज को अपने पास तक, हाँ, चीजों को लेकर के आते थे, क्योंकि हमें पता है कि अगर इनको इनको कोई भी चीज प्रोड्यूस करना है, मान लो मोहनजोदाड़ो ने कुछ चीज को प्रोड्यूस करना है, तो उनको वहां पे तो रॉ मटेरियल चाहिए ही होगा ना, उनको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो वही एज इज ऑब्वियस अ वेराइटी ऑफ मटेरियल वॉज यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग मटेरियल्स चाहिए होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं, अलग अलग मटेरियल चाहिए होते हैं। वाइल सम सच एज क्ले वर लोकली अवेलेबल, जैसे मिट्टी तो वहीं पे मिल जाएगी आपको, क्ले तो हर जगह पे मिल जाएगी, हाँ, लेकिन कुछ स्टोन जो थे वो वहां पे नहीं मिलेंगे। मेनी सच एज स्टोन टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि इनको दूसरी जगह से लाना पड़ता था, इनको दूसरी जगह से लाना पड़ता था। एंड द अलुवियल प्लेन, हाँ, फ्रॉम आउटसाइड द अलुवियल प्लेन इनको दूसरी जगह से लाना पड़ता था, स्टोन टिम्बर और मेटल को इनको दूसरी जगह। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ द बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल्स अक्रॉस द लैंड रूट्स। अब क्योंकि यहाँ पे टेराकोटा टॉय मिला, टेराकोटा टॉय किसका मिला है, बुलक्स, हाँ, बुलक कार्ट का, बुलक कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का एक टेराकोटा टॉय, मिट्टी का खिलौना मिला है, टेराकोटा टॉय मिला है, मिट्टी का खिलौना मिला हुआ है। तो मिट्टी का मतलब एक प्रकार से बैलगाड़ी मिली है जो खिलौने के रूप में यूज किया जाता है। इससे पता चलता है कि इन लोगों को मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि हड़प्पा के लोगों को किसका ये पता था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब बैलगाड़ी की सहायता से होता रहा हो, ठीक है। पीपल अक्रॉस द लैंड रूट्स, रिफाइन रूट्स मतलब कि यहाँ पे लैंड रूट्स में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बुलक कार्ट यूज किया जाता रहा। रिफाइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एज वेल एज कोस्टल रूट्स वर ऑल्सो प्रोबेबली यूज। हाँ, तो क्या केवल और केवल लैंड रूट यूज किए जाते थे, ना, नहीं, लैंड रूट के साथ साथ में रिवराइन रूट्स भी यूज किए गए हैं। रिवराइन मतलब होता है नदियों वाले रूट्स भी यूज किए गए हैं, और साथ में कोस्टल रूट्स मतलब कि समुद्र वाले रूट्स भी यूज किए गए हैं। ओके, मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, मतलब कि ये सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, और इसके अलावा कि ये क्या और कहाँ से इसमें सामान लाया जा रहा है। द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, उन्होंने जो हड़प्पा के रहने वाले लोग थे उन्होंने मटेरियल्स को लाया अपने पास तक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरीके से। फॉर इंस्टांस दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर, उन्होंने नागेश्वर, नागेश्वर याद करो अभी मैंने बताया था कहाँ पे था, नागेश्वर जो था वो गुजरात में था, समुद्र के किनारे था। और बालाकोट, बालाकोट कहाँ पे था, बालाकोट है पाकिस्तान में है, लेकिन ये भी समुद्र, ये वो एरिया थे जहां पे सेल आसानी से मिलता था, सेल समुद्र में ही मिलता है, तो इसकी वजह से यहाँ से लोग जो हड़प्पा के जो लोग रहे होंगे वो यहाँ से सेल को ले जाते रहे, ठीक है। अदर साइड जैसे सोटू घई, सोटू घई आपको कहाँ पे मिलेगा, वहां पे मिलेगा अफगानिस्तान में मिलेगा। सोटू घई कहाँ पे मिलेगा, अफगानिस्तान में मिलेगा, नियर द वेस्ट सोर्स ऑफ द, यहाँ पे आपको लैपिस लाजुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर होता है, एक ब्लू स्टोन होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है, ये बहुत महंगा पत्थर होता है, तो ये आपको कहाँ पे मिलता, सोटू घई में ही मिलता था, हाँ, बहुत अपेरेंटली वेरी हाई वैल्यू। एंड लोथल, लोथल गुजरात में है, लोथल याद करो गुजरात में है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, कार्नेलियन, कार्नेलियन कौन से कलर का पत्थर था, रेड कलर का स्टोन था, ठीक है, कार्नेलियन जो था वो रेड कलर था। फ्रॉम भरूच इन गुजरात यहाँ से मिलता था। स्टियाटाइट, स्टियाटाइट कहाँ पे मिलेंगे आपको, साउथ राजस्थान में मिलेंगे और नॉर्थ गुजरात में मिलेंगे। स्टेटाइट कहाँ पे मिलेंगे, साउथ, हाँ, और ये मेटल राजस्थान में मिलेंगे। तो यानी कि आपको ये जो चीजें हैं यहाँ से इनको लेकर के आना पड़ता है।
यानी कि हड़प्पा के लोगों को यहाँ यहाँ पे ये यह सामान, ये तो सोर्स पॉइंट, यहाँ से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ठीक है। एंड द स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन सेंट एक्सपेडिशंस। तो देखो क्या होता है कि यहाँ से सामान तो ला ले, यहाँ से सामान ला ले, लेकिन एक दूसरी स्ट्रेटजी या इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेटलमेंट्स ही बना दिए इनको, मेटल यहाँ पे जहां जहां पे सोर्सेस दिखे यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, छोटी छोटी बस्तियां ही बना, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हड़प्पन कैसे मटेरियल्स लाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मटेरियल्स लाने के लिए वहां पे इन्होंने अपना क्या किया, सेटलमेंट्स ही बना, ठीक है, जहां पे इनको सेल्स मिल रहे थे, सेल्स कहाँ मिल रहे थे, बालाकोट। और हाँ, तो पहला पहला मेथड था, पहला मेथड था मेटल को मतलब कि सामान को पाने का, इन्होंने क्या किया सेटलमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया, वहीं पे अपनी बस्तियां बना दी। कहाँ कहाँ पे, नागेश्वर में बना दी अपनी बस्तियां, बालाकोट में अपनी बस्तियां बना दी, सोटूघई में अपनी बस्तियां बना दी, और साथ में ही क्या कहते हैं कि लोथल में भी अपनी बस्तियां बना दी। तो इन सब जगह पे इन्होंने अपनी अपनी बस्तियां बना दी ताकि यहाँ पे ये सामान मिल जाए। लेकिन दूसरा भी तरीका था, दूसरा तरीका था इनके पास में कि सामान को लाने का। अब हर जगह पे तो बस्तियां बना नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेडिशन भेजने लगे। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, कि मतलब जाकर के रॉ मटेरियल्स लेकर के ही आना। तो ये कहाँ से ला रहे हैं, टू द एरिया सच एज क्षेत्रीय रीजन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के क्षेत्रीय रीजन में आपको क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। क्या मिलेगा, क्षेत्रीय रीजन में राजस्थान के कॉपर मिलेगा। एंड एंड साउथ गोल्ड, गोल्ड के लिए साउथ में ये इन्होंने अपना एक्सपेडिशन सेंड कर दिया, और कॉपर के लिए इन्होंने राजस्थान में अपना भी कहते हैं एक्सपेडिशन सेंड कर दिया। दीज एक्सपेडिशन इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटीज का मतलब होता है कि जो साउथ में कम्युनिटीज रहती होंगी उनके साथ में इन्होंने अपना कम्युनिकेशन सेट किया होगा, और साथ में जो राजस्थान में कम्युनिटीज रहती होंगी उनके साथ में अपना कम्युनिकेशन सेट किया होगा। ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टीटाइट माइक्रोवीट्स इन दीज एरिया, मतलब इन दीज एरिया का मतलब साउथ इंडिया में, और क्या कहते हैं कि राजस्थान में जब देखा जाता है कि ये क्या पाए गए हैं, स्टीटाइट या माइक्रोवीट्स पाए गए, इससे पता चलता है कि अच्छा इनका कॉन्टेक्ट था। हाँ, कि मतलब कि साउथ में भी बीड्स पाए जा रहे हैं, वो ही बीड्स पाए जा रहे हैं जो हड़प्पा में पाए, इससे पता चल रहा है कि इनका कनेक्शन इनके साथ में था। देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। तो यहाँ पे खेतरी एरिया में जो जो ना खेतरी एरिया को जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एविडेंसेस पाए हैं उन्हें क्या बोल दिया, उन कल्चर्स को बोल दिया, मतलब याद करो मैंने बताया था, हाँ कल्चर का मतलब होता था जो वस्तुएं पाई जाती, जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो खेत्री में जो वस्तुएं पाई गई हैं, जो जो चीजें पाई गई हैं, जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, इन्होंने क्या कहते हैं कि इन्होंने मतलब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको क्या बोला है, गणेश्वर, हाँ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोला गया, विद इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरी। अब क्योंकि यहाँ पे जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर में जो जो पॉटरी मिली है वो हड़प्पा वाली पॉटरी से अलग, ये नॉन हड़प्पन पॉटरी। एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको क्या मिले हैं, पॉटरी मिले हैं और कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, कहाँ पे, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है। क्या ये हड़प्पा के जैसा कल्चर था इसका, नहीं, हड़प्पा से अलग। इट इज पॉसिबल दैट इनहेबिटेंस, इनहेबिटेंस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले लोगों को इनहेबिटेंस बोला, इनहेबिटेंस ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पा। तो ऐसा लगता है कि जो ये खेतरी रीजन में रहने वाले लोग हैं, ऐसा लगता है जो खेतरी रीजन में रहने वाले लोग हैं वो क्या भेजते, यहाँ से कॉपर इनको भेजते रहे, कॉपर किसको भेजते रहे होंगे, कॉपर भेजते रहे होंगे हड़प्पा के रहने वाले लोगों। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि वो इंडिया में ही कैसा इनका रिलेशन था, इंडिया में ही आपस में कैसे ये सामान लाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, ऐसा नहीं है केवल वो लोग सामान इंडिया से ही लाते थे, ये दूसरी जगहों से भी सामान लाते थे। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। कहाँ से लाया जाता था कॉपर को, कहाँ से लाया गया है, ओमान से भी लाया गया, कॉपर को कहाँ से लाया गया है, ओमान से भी लाया गया। ओके, ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। ये ओमान आपको कहाँ पे मिलेगा, अरेबियन पूर्व पेनिनसुला में, यहाँ पे मिलेगा, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये है ओमान साउथ ईस्टर्न टिप, यानी कि आपको यहाँ पे ओमान में ये है, ठीक है, ये है ओमान, ठीक है, ओमान, ओमान से क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिला है, ओमान से क्या मिला है,
आपको मतलब कि यहाँ से कॉपर लाया गया, ओमान से कॉपर लाया गया, क्लियर है? ठीक है, ये मैप आपने देख लिया, यहाँ से आपको पता चला कि ओमान से क्या लाया गया है, कॉपर लाया गया है। अब यहाँ से जो केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट, चाहे वो ओमान का जो कॉपर हो या हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट, इन दोनों में ही निकल मिले, इन दोनों में ही निकल मिले हैं। इससे पता चल रहा है कि इनका एक कॉमन ओरिजिन था, इनका मतलब कि ये कॉमन ओरिजिन था, क्योंकि तो दोनों में ही निकल मिले, चाहे ओमान में कॉपर हो चाहे वो हड़प्पा के आर्टिफैक्ट में कॉपर था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से भी कॉपर को ले जाया गया है, यहाँ से भी कॉपर को ले जाया गया है, यहाँ से भी मतलब ओमान से, हाँ ओमान से ले गए हैं। और ये क्या कहते हैं कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि इतना बात समझ में है, और ये ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ओमान की कैपिटल है मुस्कैट, ओमान की कैपिटल क्या है? मुस्कैट। ओके, अब तो ये द केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट, इन दोनों में ही निकल मिले हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि ये ओमान से ही कॉपर आया होगा। देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज, मतलब और जगहों से पता चल रहा है कि सामान लाए गए। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, मतलब एक अलग टाइप का बर्तन मिला है, ठीक है। अ लार्ज हड़प्पन जार, एक जार मिला है, हाँ, कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, और यानी कि उसके ऊपर मिट्टी, एक जार मिला है, ये देखो ये टाइप ये बना हुआ है, एक जार मिला है, उसके चारों तरफ क्या कहते हैं कि ब्लैक क्ले मतलब काली मिट्टी को थोप दिया गया है, हाँ। और ये भी कहाँ पर मिला है, ये कहाँ पर मिला है? वो हड़प्पन जार था, लेकिन ये कहाँ पर मिला है? ओमान में मिला है, ओमान में मिला हुआ है, ठीक है। सच थिक कोटिंग्स प्रिवेंट मतलब कि परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स, मतलब ये लिक्विड्स का इधर उधर से जाना बचा देगा, ठीक है। वी डू नॉट नो वॉट इज कैरीड इन द वेसल्स, हमें ये नहीं पता कि इस वेसल में क्या ले जाया जाता था, बट इट इज पॉसिबल दैट द हड़प्पन्स एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर, यानी कि इससे पता चलता है कि उन्होंने इस बर्तन के बदले में कॉपर को एक्सचेंज किया हुआ, उन्होंने इस बर्तन के बदले में कॉपर को एक्सचेंज किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बात करते हैं कि याद करो आपने क्लास 11th में मेसोपोटामिया के बारे में, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट यानी कि जो मेसोपोटामिया में जो चीजें लिखी गई हैं, जैसे हमारे यहाँ वेद वगैरह होते, तो यहाँ पे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जो थे, हाँ, डेटेबल टू द 3rd millennium BCE, मतलब वो 3000 BCE की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो थे रिफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन, यानी कि उसमें बताया गया है कि जो कॉपर कहाँ से आ रहा था, मगन से आ रहा था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है शायद वो जो मगन था उसे ही ओमान बोला था, शायद उन्होंने मगन जो है ओमान को बोला है, और ओमान की कैपिटल मुस्कैट है। ये ओमान कहाँ पे है? साउथ ईस्टर्न सऊदी अरेबियन पेनिनसुला, हाँ, ये इन्होंने कह रहे हैं कि मगन ही ओमान को होता है। इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स आल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ निकल, यानी कि जो मेसोपोटामिया में कॉपर थे उनमें भी निकल पाया गया है, यानी कि जैसे हमने बताया कि हड़प्पा में जो कॉपर थे उनमें भी निकल मिला, जो कि कहते हैं कि ओमान में कॉपर थे उनमें भी निकल मिला, और मेसोपोटामिया में, तो यानी कि पता चल रहा है कि यानी कि मगन से ही, मगन को ही क्या बोला गया? ओमान बोला। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूड हड़प्पन सील्स एंड वेट्स एंड डाइस एंड वेट, मतलब कि हर जगह पे ये हड़प्पन सील्स वगैरह वहां वहां पर भी मिले हैं, वहां पर भी मिले, दूसरी जगहों पे हड़प्पन सील्स वगैरह मिली। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामिया टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजियंस नेम्ड, तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट में तीन रीजन को मेंशन किया गया है। डिलमुन, डिलमुन किसे बोला गया? डिलमुन बोला गया है आइलैंड ऑफ बहरीन को क्या बोला गया? डिलमुन। अब ये बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन भी एक कंट्री है, तो बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा, मनामा बोल लो या मना बोल लो, ठीक है, मनामा, तो ये बहरीन की कैपिटल है, बहरीन, हाँ। मगन एंड मेलुहा, हाँ, तो मेलुहा बहरीन से डिलमुन, इन्होंने बोला है कि इनका कांटेक्ट मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जो कांटेक्ट लिखे गए तीन जगह का, डिलमुन, डिलमुन को बहरीन बोला गया था, मगन, ओमान, मेलुहा, पॉसिबली द हड़प्पन रीजन, और मेलुहा जो था वो हड़प्पन रीजन, ठीक है। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स
फ्रॉम मेलुआ। जैसे मेलुआ से क्या आते हैं, मेलुआ मतलब कि हड़प्पन रीजन, मेलुआ मतलब हड़प्पन रीजन, ठीक है, मेलुआ मतलब हड़प्पन रीजन। कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटी ऑफ वुड, याद करो ये सब कहाँ पे मिलते हैं, ये हड़प्पा रीजन में ही। अमेसोपोटामियन मिथ से मेलुआ, मे योर बर्ड बी हाजा बर्ड, इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो कि कहते हैं कि जो पक्षी है वो क्या है, हाजा बर्ड, तुम्हारा पक्षी जो है वो हाजा बर्ड है। मे इट्स कॉल बी द हर्ड इन रॉयल पैलेस, अच्छा इसको हम कहाँ पे रख सकते हैं, रॉयल पैलेस में रख सकते हैं, ये सारी बातें इन्होंने बोली, ठीक है। इन्होंने कहा कि तुम्हारा पक्षी जो है वो क्या है, हाजा पक्षी है, उसकी आवाज क्या कहते हैं कि वहां पे उसकी आवाज, हर्ड मतलब होता है कि सुनाई देना, हम उसकी आवाज कहाँ पे सुनाई दे, रॉयल पैलेस में सुनाई दे। अब हाजा बर्ड जो होता है वो किसको बोला जाता है, पीकॉक को बोला जाता है, ठीक है। हाजा बर्ड किसको बोला गया, मतलब ये लोगों ने यहाँ पे क्या, आर्कियोलॉजिस्ट ने एज्यूम किया या सोचा है कि जो हाजा बर्ड है ये शायद पीकॉक की बात है, क्योंकि इंडिया में पीकॉक। अब डिड दिस गेट नेम फ्रॉम इट्स कॉल, मतलब ये ऐसे ही चिल्लाता है बहुत तेजी से, तो इस वजह से हो सकता है कि इसके इसके उसकी आवाज के कारण उसका नाम आया, ठीक है, उसकी आवाज के कारण उसको बोला गया हाजा बर्ड। इट वाज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान बहरीन, ओमान की कैपिटल क्या थी, मुस्कैट, ओमान की कैपिटल क्या थी, मुस्कैट, हाँ, और बहरीन की कैपिटल की क्या थी, मनामा, और मेसोपोटामिया वॉज बाई सी, मतलब कि ये लग रहा है कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए थे, सी के थ्रू जुड़े हुए थे, ठीक है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर मेलुहा मेलुहा एज लैंड ऑफ सी फेयरर्स, हाँ, इन्होंने कहा देखा कि ये सी फेयरर मतलब होता है नाविकों का देश, ठीक है, सी फेयरर मतलब होता है नाविक वाले, तो लैंड ऑफ सी फेयरर मतलब नाविक से, नाविक, तो ये नाविकों का देश बोला गया मेलुहा को। बिसाइड्स मतलब यहाँ पे नाव वगैरह को, बिसाइड्स इन सब के अलावा, इन सब के अलावा वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप बोट्स ऑन द सील्स, मोहरों पे देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, मोहरों पे भी देखोगे तो वहां पे आपको ये नाव वगैरह दिखाई देंगी। देखो ये सील है, इसमें यहाँ पे देखो नाव बना, और इसमें देखो ये मोर भी बना, ठीक है, ये नाव वगैरह बने हुए हैं, ये हो गए, ठीक है। आगे देखो इसके ऊपर, हाँ, अब इसके ऊपर यहाँ पे देखो ये जो है, ये राउंड पर्सियन गल्फ, ये पर्सियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन, बहरीन में पाया गया, सम टाइम कैरी हड़प्पन मोटिफ, यहाँ पे देखो कि कहते हैं कि ये बैल वगैरह बने हुए, हड़प्पा के चिन्ह बने हुए, मोटिफ हड़प्पा के जो चित्र हैं ये चिन्ह बने हुए, देखो ये हड़प्पा वाले सील में भी ऐसे ही थे। इंटरेस्टिंगली लोकल डेलमुन, डेलमुन याद करो किसको, बहरीन को ही बोला गया, वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड, जो वहां पे जो वेट थे वो हड़प्पन स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते थे। और यहाँ पे एक और देखिए, ये मेसोपोटामिया में, यहाँ पे ये जो देखो ये जो बैल है, ये जो बैल बना हुआ है इसके ऊपर देखो ये क्या कहते हैं कि ये, हाँ, ये हम्प्ड बुल, ये बैल जो है वो हम्प्ड बुल, हम्प्ड मतलब जिसके ऊपर ये कूबड़ बना होता है, तो ये हम्प्ड बुल जो है ये, हाँ, इसके ऊपर ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये चीजें कहाँ से, ये इंडस रीजन से ही इसको मैं मतलब कि मोटिवेशन मिली होगी, तो यहाँ पे ये बना है, क्लियर है। तो ये सारी बातें से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के हड़प्पा के लोग, हाँ, नद समुद्र के किनारे भी, समुद्र के रास्ते से भी लोग बाकी देशों से जुड़े थे, समुद्र के रास्तों से भी बाकी देशों से जुड़े थे, और साथ में ही क्या कहते हैं कि समुद्र के रास्तों से भी बाकी देशों से जुड़े थे, और रिवर के रास्तों से भी जुड़े थे, लैंड रूट से भी जुड़े थे, ठीक है, और साथ में ही क्या कहते हैं कि इनको जहां से सामान लाना है तो वहां पे अपनी इन्होंने बस्तियां वगैरह भी बना दी। कुछ ये जो टेक्स्ट थे इन, हाँ, लेटर्स ऑन द एन एंशियंट साइन बोर्ड, ये कुछ एंशियंट साइन बोर्ड पे पहले ऐसे कुछ लेटर्स बने हुए होते थे, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं इतना, ठीक है। अब आगे यहाँ से क्या कहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जो भी नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके पूछ लें, ओके।